नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर राम मंदिर पर स्मारक और डाक टिकट जारी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर पर डाक टिकट जारी कर अभी उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया है। श्री राम पर जारी डाक टिकटों की पुस्तकें भी जारी की है और 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के डाक टिकट को उन्होंने इसमें समावेशित किया है। बता दें इस वक्त की खास और अहम और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के टिकट हैं, जहां पर पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और माँ शबरी शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने एक संदेश भी जारी किया है। मोदी ने कहा है कि नमस्कार राम राम, और आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम से जुड़ने का उन्हें सौभाग्य मिला है। ये बात कही उन्होंने अपने संदेश में। जारी डाक टिकट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान, गणेश, जटायु, केवटराज और मां शबरी जिस पर अंकित हैं राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया। अड़तालीस पेज की इस पुस्तक में 20 देशों के टिकट हैं, जहां पर पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि ये पोस्टल स्टैंप विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के माध्यम भी होते हैं। जब कोई डाक टिकट जारी होता है तब इसे जब इसे कोई भेजता है तो वह सिर्फ पत्र नहीं भेजता, बल्कि पत्र के माध्यम से इतिहास के अंश को दूसरे तक पहुंचा देता है। ये बात कही, और ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा न होते हुए इतिहास की किताबों के रूपों में और ऐतिहासिक क्षणों का एक छोटा सा रूप भी होता है। इनसे युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस काम में डाक विभाग को राम ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी साथ मिला है। मैं संतों को प्रणाम करता हूं। और अब